अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में एशियन ट्रेड टीवी के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं जिस तरह के एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को पूरी दुनिया में प्रमोट करना है, और हम ऐसी स्टोरीज और ऐसे सक्सेसफुल लोग आपके सामने लेकर आते हैं हमेशा, जिन्होंने के लिए खिदमात सर अंजाम दी इंटरनेशनली। इन्हीं में से एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी रही है हमारे मुल्क की पहचान, जिनका तारुफ कोई वर्ड्स नहीं है, जिनके ऊपर जितनी बुक्स लिखी जाएं कम है। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अवार्ड्स उनके पास गए हैं। मेरी लाइफ में इतने मेरे लिए इंस्पिरेशनल स्टोरी कोई नहीं थी जिसको मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। आज वो हम में मौजूद तो नहीं है, लेकिन हम उनके घर पे उनके बेटे के साथ मौजूद हैं, और कल उनकी बरसी भी है, हम उसके मुतलक भी बात करेंगे। एक ही वर्ड उनके लिए कहूँगा, दुनिया फ़न में एक ही फ़न का सुल्तान हुआ है, और वो है सुल्तान राही। नाज़रीन, गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम है, पाकिस्तान के हवाले से बहुत ऑनर की बात है। ये 1000 से ज़्यादा मूवीज़ की है, जो आज तक पाकिस्तान में और कोई नहीं कर सका। एक टाइम था जब सूरज निकलता था पाकिस्तान में फ़न का, और जब कोई मूवी लगती थी तो फ़न का राही, सुल्तान राही के नाम से ही टाइटल चमकता था। उनके जाने के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में रिवाइवल ज़रूर हुआ है, लेकिन आज भी उनकी कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। हैदर सुल्तान जो उनके बेटे हैं, जिन्होंने उनके फ़न को आज भी ज़िंदा रखा है, और वही लड़ी लेके आगे चल रहे हैं। हम जानेंगे हैदर से उनकी कहानी भी, और राही साहब की वो यादें जो उनमें रची बसी हैं। आज मैं उनके घर पर मौजूद हूँ, और मुझे बिल्कुल यहाँ पर हर तरफ राही साहब की वो स्मेल फील हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर एक टाइम था बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आया करते थे, आज भी वही होता है सब कुछ, लेकिन आज उनकी जगह हैदर है। आइए, मैं टाइम ज़ाया किए बगैर हैदर की तरफ चलता हूँ, और जानते हैं ख्वाबों से तबीर हैदर के साथ। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल इंट्रो, दैट वाज वेरी नाइस, थैंक यू। जी प्लीज़ जी, मेरे लिए बड़े एजाज की बात है हैदर, आज मैं राही साहब को कवर कर रहा हूँ, और आप उनके जानशीन, और थोड़ा सा मुझे हैदर बताइए, जो कि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीर तक। जी जी, तो राही साहब के ऊपर जितना कहा जाए, जितना बोला जाए कम है बहुत, और कल उनकी बरसी भी है। जी जी, आई थिंक 24 ईयर्स आज ही हो जाएंगे। तो आपने बतौर फादर उनको बचपन थोड़ा सा गुजरा, उसके बाद आप बाहर चले गए थे, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा पीछे जाए माजी में थोड़ा सा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो है कि आई फील ब्लेस्ड टू बी सन, उनका नाम मेरे साथ अटैच है, मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। बचपन में जब हम लोग शिफ्ट हो गए थे, अमेरिका चले गए थे पढ़ने के लिए, तो ऑब्वियसली अबू के पास टाइम बहुत कम होता था, तो आने जाने में उनके पास अभी से बने कि 24 आवर्स में से 22 आवर्स में काम करते थे, और ये नॉट वन डे, इट वाज अ रेगुलर रूटीन। तो उसमें टाइम बहुत कम था, लेकिन जो भी टाइम उनके पास था वो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करते थे हमेशा। और जो लोगों ने उनको स्क्रीन पर देखा है, जिस तरह से उनका जो एक एक्शन हीरो का एक इमेज, एक वायल्ड, बहुत ज़्यादा लाउड बोलना, ये उससे टोटली ही अपोजिट वो घर में थे। मैं अक्सर अबू की मिसाल चांद और सूरज की देता हूँ, कि वो सूरज थे स्क्रीन पे, तो घर पे वो चांद की तरह थे, बिल्कुल हम्बल एंड, और बहुत डाउन टू अर्थ। उनका बहुत एक लंबा स्ट्रगल पीरियड था, और वो कभी भूले नहीं कि वो कहाँ से आए हैं और उनका स्ट्रगल पीरियड कैसा गुजरा। दीन की तरफ बहुत उनका रुझान था, अल्लाह ताला के साथ उनकी बहुत एक क्लोजनेस थी उस हवाले से, तो उन्होंने बच्चों में भी वो चीज़ें लेकर आए, उन्होंने कभी भी ये नहीं फील किया कि मैं सुल्तान रही, तो मेरे बेटों के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी बात आनी चाहिए कि यू शुड बी एरोगेंट, और नहीं कुछ भी ऐसा नहीं।
माई गॉड, आई मीन देयर सो मेनी मेमोरीज विद हिम, माई गॉड. आई मीन मुझे दफ़ा याद है हमारे स्कूल में प्ले हो रहा था यहाँ पर जब हम अभी छोटे पढ़ रहे थे, तो बहुत कम होता था कि अबू को टाइम मिलता था आने के, तो दैट डे ही सरप्राइज मी, ही केम टू माई स्कूल. तो अचानक जब लोगों का रश इधर से पढ़ना शुरू, तो मैं पीछे चेयर पर आके बैठ गया, मुझे पता नहीं था. तो मैंने ऐसे मुझे देखा तो पीछे मेरे बैठे हुए, तो आराम से कहते हैं लाइक वाह आप मुझे आए, मैं स्कूल आए हैं. तो बस हार्डली 5 मिनट भी नहीं बैठे होंगे, एंड ही वाज गॉन बिकॉज ऑफ पब्लिक की वजह से. तो इनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड हुआ है, आई थिंक एज अ फादर सबके लिए एक जो कि पेरेंट्स होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन आई फील लाइक कि ऐसे बाप बहुत कम दुनिया में मैंने देखे होंगे जिन्होंने अपने जो हमने उनके आधी ज़बान से उनको बोला उन्होंने पूरा किया. मेरी अगर आप बात करते हैं तो मैं अमेरिका में पढ़ रहा था जब, आई वॉज स्टडिंग इन एक्टिंग स्कूल, तो वहाँ से मैं जब मैंने फ्री हुआ तो मैंने उनको बोला कि मैंने फिल्म करनी है पाकिस्तान में आपके साथ. थोड़ा सा हंसे, हम अमेरिका बैठे हुए थे, तो कहते हैं आर यू सीरियस, करना चाहते हैं. मैं कि जी डेफिनेटली आई वांट टू डू समथिंग, लेकिन आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो मुझे तब पता नहीं था. मैं कहा मैंने एक मूवी करनी है ना, मैंने कम बैक टू हॉलीवुड, मेरा था कि हॉलीवुड करना थोड़ा सा. सो आई केम टू पाकिस्तान और मैंने उनके साथ फिर वो फिल्म की. 92 में मेरी पहली मूवी थी अबू के साथ, उसका नाम था बबरा, पंजाबी का दौर था. बबरा यस, ओके. और टाइटल अबू प्ले कर रहे थे उसका, ऑब्वियसली अबू का उसका फुल एक बूम अरूज था, फुल टाइम चल रहा था उसका से. तो मैं उसमें बाप बेटे की कहानी थी, और आई थिंक 92 की सबसे वो हिट फिल्मों में फिल्म वो थी, बबरा थी उस टाइम. तो वहाँ से फिर मेरा उनके साथ एक आगाज उस तरह से हुआ काम करने का इकट्ठे. और आई वुड से कि उस टाइम में मैं एज अ फादर फिगर देखना उनको, या एज अ उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड करना, तो एज अ फादर ऐसे वैसे बच्चों का आपस में बाप के साथ होता है, हंसी मजाक बहुत फ़नी तबीयत के थे. मतलब एक उनको हंसी मजाक करना, सिर्फ भी कि हमें किसी को छेड़ देना, कोई लाइट पेंट से तंग करके मजाक कर लेना, और उनको ज़्यादा अच्छा लगता था कि जो थोड़े लोग लेस फॉर्चुनेट हैं उनके साथ बैठ के बात करना, खाना पीना उनके साथ टाइम स्पेंड. हाँ ओके, तो उनको वो बात बहुत लगती थी. और उन्होंने हमेशा मुझे हिसाब से कि अल्लाह ताला की रहमत से उन्होंने दीन दुनिया बहुत अच्छी रखी है, उन्होंने बैलेंस रखी इस वजह से मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी माशाल्लाह अपनी लाइफ गुजार की है. मैंने उनसे ये लर्न किया है क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा बेटा आप जब भी कभी आप जितना आप हम्बल रहोगे ज़िंदगी में उतना ज़्यादा आपको अरूज देंगे, अगर आप एरोगेंट हो जाओगे तो बहुत कम टाइम फ्रेम आपका रहेगा. तो ऑलवेज डू दैट, और सब्र नहीं छोड़ना, ऑलवेज डू दैट, क्योंकि हमारे नबी ने भी हमें ये सिखाया कि बहुत सी बातों में एक बात ये भी है कि आप सब्र ना छोड़ो तो आप जिंदगी में प्रोग्रेस करते हो. तो आई डिड दैट माई लाइफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सीन सम चेंजेस उसके बाद से. लेकिन ये है कि आई फील लाइक कि व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग विद हिम, हम उन्होंने इकट्ठी 5 फिल्में की हैं, आई फील लाइक कि एट दैट टाइम मैं बहुत छोटा था, मुझे इतना रियलाइज नहीं था क्योंकि मेरे फादर फिगर थे. लेकिन नाउ सिटिंग हियर नाउ एज एन एक्टर, इफ आई लुक बैक, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी एक फ़ख्र की बात है कि मैंने सुल्तान रही साहब के साथ एज एन एक्टर काम किया. बड़ी बात. तो आई मीन, और उन्होंने मुझे गाइडलाइंस देते थे मुझे, लेकिन उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया कि उनका स्टाइल मेरे में आए. उनका आप तरीके से बेटा आप करो, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, और कैसा गाइड करते थे मुझे. लेकिन जो भी मैं आज कुछ जो भी हूँ आपके सामने बैठा हूँ उनकी वजह से ही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह. अब मुझे आप यकीन करेंगे जब लोग मुझे कहते हैं ना कि हैदर आपको देख कर हमें सुल्तान साहब की याद आती है, हमें आप राय साहब नज़र आते हैं, तो मुझे मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है कि यार मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए. और एट द सेम टाइम बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील होती है अपने ऊपर, क्योंकि मैं पहले फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा था, टाइम देता था, अमेरिका से रहता था, लेकिन नाउ आई फील लाइक आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इंडस्ट्री. तो मैंने अब 2-3 साल से पाकिस्तान में रुक गया हूँ, यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और मुझे ये लगता है कि लोगों को एक उम्मीद की किरण नज़र आई है मेरी शक्ल में. कहते हैं जी कि जैसे कि राय साहब ने किया था, हमें लगता है कि आप भी कुछ हमारे लिए करेंगे. जो टेक्नीशियन हजरात घर बैठ गए हैं जिनके पास उनको और कुछ करना नहीं आता, वो दुख होता है क्योंकि हमारे लिए एक सेकंड फैमिली की तरह वो लोग हैं. बिल्कुल. तो जब वन देर नॉट डूइंग एनी थिंग, तो मुझे इंडस्ट्री के हालात देख के बहुत तकलीफ होती थी. मैंने कहा मुझे कुछ करना चाहिए, तो जो कुछ मुझसे पॉसिबल है, वो पंजाबी कहते हैं ना कि मोड़ा लाता है जी जी, उसके साथ मैंने अपना आप जोड़ दिया है, जितना मुझे पॉसिबल है मैं कर रहा हूँ उसके लिए. और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई एम डूइंग 10 फिल्म्स, उनमें से 3 से ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हुई हैं, और मेजॉरिटी में सब पंजाबी ही हैं. और ट्राई यही कर रहे हैं कि जो एक जंप स्टार्ट देना चाहिए ना उसको, हम वो करने की कोशिश में लगे हैं इंशाल्लाह हमारी पंजाब इंडस्ट्री. हैदर, 1000 अवार्ड्स, फिर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम एज ए पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह. तो हाउ डू यू फील हैदर? आई लाइक आई सेड, आई फील ब्लेस्ड, आई फील वेरी ऑनर्ड कि मतलब है कि माशाल्लाह इतना बड़ा क्रेडिट आई थिंक किसी के पास भी हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं, एशिया में मैंने किसी का भी नाम नहीं सुना मैंने कि गिनीज बुक उनका नाम ऐसे गया. और माशाल्लाह उसके पीछे उनकी बहुत अनथक मेहनत मेहनत थी.
مطلب ہے کہ آپ یہ یقین کریں کہ میں ان کو دیکھتا تھا شوٹنگ سے، انہوں نے رات کو 3 بجے بھی آنا ہے، 4 بجے بھی آنا ہے، تو انہوں نے قرآن پڑھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد انہوں نے سونا ہے، ساتھ ہی انہوں نے آ کے اٹھا دینا. اچھا، رات کو روٹین تھی ان کی قرآن تلاوت کرنے کی، ایوری سنگل ڈے آنا ہے انہوں نے، مزید تھکے ہوئے. اب آبویسلی دن میں اگر آپ 5-6 شوٹنگیں کریں گے تو انسان کی ویسے بالکل بس ہو جاتی ہے. تو آ کے انہوں نے بالکل آ کے وہاں پہ نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس کے بعد انہوں نے کبھی کبھی وہ جان نماز کے اوپر سوئے دیتے، زمین کے اوپر سوئے دیتے. پھر ان کو آ کے انہوں نے ان کا جو مینیجر تھا انہوں نے ان کو اٹھانا آرام سے کہ لالا جی 7 بجنے والے ہیں چلیں، تو 2 گھنٹے بعد ان کو اٹھا کے بھی بٹھاتے دیتے، چلو جی. پھر ویسے ہی وہ یعنی کہ اٹھے، فریش اپ ہوئے اور چلے گئے. تو کبھی کبھی مذاق سے وہ کہتے تھے میرے بچے تو میرے سامنے سوئے سے بڑے ہو گئے ہیں. ڈیفینیٹلی جب سوئے ہوئے آنا تو چلے جانا، تو کہتے تھے کہ میرے سامنے ایسے ہو گیا. لیکن یہ کہ انہوں نے اس کے باوجود بھی کبھی کبھی ہمیں فیل نہیں ہونے دی ہے باپ کی، اتنا بزی ہونے کے باوجود بھی کہ ہوتا نا کہ انسان نگلیکٹ ہو جاتا ہے یہ بچے، نہیں کبھی بھی نہیں. انہوں نے فرینڈس کو بھی ٹائم دیا لیکن ہز فیملی واز ہز نمبر 1 پرائیورٹی. جب بھی کبھی ٹائم تھا تو امریکہ ہمارے پاس آتے تھے ایوری سمر ملنے کے لیے، یہاں پہ ویکیشنز بھی آتے تھے ہمارے پاس، تو یہاں پیچھے لوگوں کے فون پہ فون پیار ہوتے تھے کہ آ جائیں، شوٹنگیں رکی ہوئی ساری. مطلب ہے کہ میں نے ابو کے ساتھ کیا کہتے ہیں 2 یا 3 فلم کی شوٹنگ میں نے کی ہوں اکٹھی، اور میری بس ہو گئی تھی. میں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں، آپ کنٹینیو آن کریں. لیکن ماشاء اللہ ہی کیپٹ آن گوئنگ، ان کا اپنے فیلڈ سے سنسیریٹی تھی، فیلڈ سے سنسیریٹی تھی اور لوگوں کے لیے خاص. وہ کہتے تھے کہ میں اگر گھر بیٹھ جاؤں گا تو یہ جو ہزاروں لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے میرا وسیلہ بنایا ہوا چولہا جلتا ہے بند ہو جائے گا. اسپیشلی ٹیکنیشین، لائٹ مین اور اسٹوڈیو میں بالکل. آج تک ابو کا یہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی پروڈیوسر کا نقصان نہیں ہونے دیا، کبھی کوئی سیٹ نہیں ٹوٹا ان کی وجہ سے، کبھی لیٹ نہیں ہوئے. رات کو اگر انہوں نے بارش اسٹوڈیو میں شوٹنگ کی ہے تو صبح جا کر انہوں نے مری میں شوٹنگ ان کو جا کے اٹھایا کہ میں آ گیا ہوں، آ جاؤ شوٹنگ کریں. وہاں سے پیک اپ کی تو رات کو پھر انہیں پیروں پہ بیٹھے ہیں اور واپس پھر بارش ہوئی میں شوٹنگ کی ہے. یہ ایک انسان کی میں کہتا ہوں کہ بس کی بات نہیں ہے، کوئی خاص نہیں. سر یہ ان کے پروفیشن کے ساتھ سنسریٹی تھی کہ لاسٹ ٹائم پہ جو ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی یعنی کام سے ہی آ رہے تھے. جی جی جی، ایسے ایسے ہی ہوا تھا، بالکل ایسے ہی. تو دن رات وہ کام کرتے تھے، دن رات کام کرتے تھے. آپ یعنی کہ رائے صاحب کے بچوں میں سے سب سے زیادہ قریب مجھے لگتا ہے آپ ہاں جی، باقی بھائیوں کا بھی گزرا ہے لیکن یہ کہ سب سے چھوٹا میں گھر میں تھا، تو میرا یہ تھا کہ ان کے ساتھ شوبز کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں ہی ہوں جس نے اس میں اسٹیپ ان کیا. تو ان کا یہ تھا کہ ایک طرح سے میرے ساتھ زیادہ ٹائم ہمارا کٹھا زیادہ اسپینڈ ہوتا تھا. یس آبویسلی سب سے چھوٹا گھر میں تھا. بڑے لوگوں کو رائے صاحب نے سپورٹ کیا ہے، کھڑا کیا ہے فیلڈ میں، اور میں نے سنا ہے اور کچھ ڈاکومنٹریز بھی دیکھی، اور کبھی جب رائے صاحب کا انتقال ہوا تو بہت لوگ بہت رو رہے تھے، دھارے مار مار کے، اور جن کے اوپر رائے صاحب کا شفقت کا ہاتھ تھا. فلم انڈسٹری میں رہتے ہوئے اس طرح کی لائف گزارنا ناٹ ایزی جاب. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور میرے حساب سے یہ انہوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ ایک ٹائم میں نے دنیا سے جانا بھی ہے، تو انہوں نے اپنی آخرت بینگ مسلم ہمارا یقین ہے بالکل ایسے ہی جانا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ ضرور کیا کہ انہوں نے جتنا بھی پاسبل تھا انہوں نے اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ ان کو دیتے چلے گئے، وہ اس طرح سے آگے بانٹتے چلے گئے. تو انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار میں، مجھے یاد ہے گھر سے ایوری سنگل ڈے جب ان کی گاڑیاں سے نکلتی تھی باہر جانے کے لیے تو باہر کم از کم 10 سے 15 لوگ ان کا باہر ویٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ کسی کو دکھاوا کرنا ہے نہیں. سو اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہوں نے بس جیب سے ہاتھ ڈالنا، اس کو پکڑایا، اس کو پکڑایا، کتنا دیا کیا دیا نہیں پتا، یہ نہیں پتا، اور چلے گئے. ایوری سنگل ڈے ماشاء اللہ کا یہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ سلسلہ بھی جاری ہوگا کیونکہ آپ جی میں جتنا پاسبل الحمد للہ صاحب کے مشن کو لے کے میں، ہاں جی میرا پاسبل ہے میں کرتا ہوں اس طرح سے، اور ٹرائی یہ کرتا ہوں کہ اپنے اندر اتنی ہمبلنس لا سکوں اور مزید آ سکوں، کیونکہ ایک ٹائم میں انسان ایج کے ساتھ ساتھ بھی انسان کچھ نہیں سیکھتا. جی بالکل. تو آئی فیل لائک آئی ہیو چینج اے لاٹ ان مائی لائف، آئی ہیو چینج مائی گیٹ اپ، آئی ہیو چینج مائی سیلف اوور دا ٹائم فریم. تو کافی چینج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری فلم انڈسٹری نے آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی یعنی کہ جی شفقت کی ہے جو رائے صاحب کے ساتھ تھی، اور ویسے ہی وہ سمجھتے ہیں اور آپ کو ویلکم بھی کیا جب ریوائول آف سینما ہوا ہے. جی جی بالکل ایسے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ریوائول سینما جو دوبارہ سے دیکھیں؟ بہت بڑا پلس پوائنٹ، جی بہت بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بالکل کام بند ہو گیا تھا پہلے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اب یہ ہو گیا کہ ماشاء اللہ سے فلمس وسیع پھر سے بننا شروع ہوئی ہیں. اس کا کم از کم 20 سے 25 فلم نسی ہیں لاہور میں، اس کا انڈر پروڈکشن چل رہی ہے، کیونکہ شوٹس میں پشتو بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، اردو بھی ہیں. اب یہ کیا ہے کہ پھر سے یہ ایک اسٹارٹ ہوا ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بچہ کرالنگ کرنا سیکھتا ہے پھر وہ واک کرنا سیکھتا ہے، وہ والا کام ہو گیا ہوا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے 1-2 سال کے اندر آپ بہت سارا چینج دیکھیں گے ہماری یہاں کی انڈسٹری میں.
कराची माशा बहुत सारा काम हो रहा है, मुझे खुशी होती है देख के, माशा बड़ी प्रोडक्शन उनकी होती है ऐसी भी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। ये कोई दो मुल्कों की बात नहीं हो रही, एक ही मुल्क के अंदर कराची भी है। पहले ऐसे ही होता था, यानी कि जब राई साहब की, बिल्कुल हाँ जी हाँ जी, 35 मोहम्मद अली साहब, जब नदीम साहब की मूवीज बनती थी, साहब होते थे, तो ऐसे ही होता था, वो कराची और लाहौर का इतना डिफरेंस नहीं था। नहीं था, अब थोड़ा सा कुछ लोगों ने बना दिया, सब नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे बना दिया, खास नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि एक ही मुल्क की हम लोग दो डिफरेंट शहर हैं, हमें इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि बेहतर और अच्छा काम होना शुरू, अच्छा काम, और मुझे ये लगता है कि यहाँ से एक आधी फिल्म अगर हिट होती है तो तब भी कराची की उसमें बढ़ती है वैल्यू, और कराची से अगर हिट होती है तो हमारी यहाँ की वैल्यू बढ़ती है, एक ही घर है ना जी बिल्कुल। हैदर, इंडिया में बॉलीवुड में राय साहब की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, नो डाउट, और बहुत सारे एक्ट्रेस स्पेशल धर्मेंद्र साहब की फैमिली आप जैसे बता रहे थे, जी 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 जी, तो वो थोड़ा सा मुझे डिटेल बताइए ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि बॉलीवुड में भी पाकिस्तान का असर रहा है, ज़ेर असर रहा है बॉलीवुड, प्लीज़। असल में नासिरुद्दीन साहब उनसे हैं, उन्होंने मुझे वाकया बताया था, क्योंकि मैं तो कभी इंडिया गया नहीं, तो बता रहे थे कि वहाँ पर धर्मेंद्र जी ने उन्होंने बुलाया था फिल्म लिखने के लिए, तो अबू के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी नासिरुद्दीन साहब के साथ, तो उन्होंने उनको कहा अगर आप जा रहे हैं तो मेरा उनको सलाम बोलिएगा, हेलो बोलिएगा। तो जब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा जी कि जैसे अंदर घर के अंदर गए तो उन्होंने कहा जी कि आपके लिए राय साहब ने एक पैगाम भेजा है, तो धर्म जी उनसे हैं वो कहते हैं जी एक सेकंड ठहर जाएँ, तो एहतरामन खड़े हो गए सोफे पर, साथ से सामने खड़े होकर उन्होंने कहा जी अब बताएं उन्होंने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे लिए वो एक मतलब ऐसे बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने अपनी प्यार भेजा और आपके लिए उन्होंने सलाम किया, तो कहते जी फिर प्यार दियो, तो फिर उन्होंने उनको जफ्फी डाल के गले मेरे, उन्होंने कहा जी कि आपके, फिर उन्होंने नासिर साहब को उन्होंने दिखाया, कहते हैं जी ये मेरे पास ये पूरी लिस्ट एक वॉल पूरी बनी हुई है मूवीज़ की, कि मेरी मूवीज़ की है, और साथ ही उन्होंने दिखाया कि पूरी अब्बू की मूवीज़ की उनके पास। अच्छा, तो कहते हैं मैं मूवीज़ उनकी मैं डेली वॉच करता हूँ, अपने अपने बेटों को भी दिखाता हूँ कि अगर आपने एक्शन करना है तो बेटा इनसे सीखो, और उन्होंने दो दफ़ा कॉपी किया मौला जट को बनाने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली उस तरह से उनसे नहीं बन सके, लेकिन ये कि बहुत रिगार्ड, ये मैं कहता हूँ अल्लाह की खास रहमत किसी के ऊपर होती है कि इतना इस लेवल का अल्लाह ताला आपके ऊपर करम करते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट इंटरनेशनली कर रहे हैं। ये धर्म जी की मैं समझता हूँ कि उनकी भी ग्रेटनेस है कि उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, बिल्कुल, और ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं मेरे हिसाब से। तो मैं यही समझता हूँ कि अबू ने जितनी मेहनत डे वन से की, बशीरा से उनका जो स्टार्ट था फिल्मिंग करियर का, आखिरी टाइम तक, मतलब है कि मैं समझता हूँ कि कैमरा किसी एक्टर के ऊपर इतना आशिक रहा हो नहीं, हिस्ट्री इन द वर्ल्ड मैंने नहीं देखा, कि वी वर पुटिंग हिम इन द ग्रेव, उनको हम कवर के अंदर लटा के उनका फेस कवर कर रहे थे, तब भी उसके ऊपर कैमरा उनके ऊपर रिकॉर्ड चल रहा था आखिरी मोमेंट तक, जब बंद हुआ तो वहाँ पर कट हुआ और ख़त्म हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की रहमत के बगैर कुछ ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि बड़े बड़े लोग आए चले गए, लेकिन आज 24 साल होने को आ गए, अब कल उनकी बरसी है, और लोग उनको ऐसे याद करते हैं ऐसे कि वो अभी भी हमारे में मौजूद हैं। पहले भी लोगों के बारे में बहुत जिक्र करते थे, लेकिन अब जब भी कभी मैं कहीं जाता हूँ, किसी गैदरिंग में बैठता हूँ, तो उनका हर जगह जिक्र अलहमदिल्ला हो रहा है, और अलहमदिल्ला अच्छे लफ्ज़ों में हो रहा होता है कि जी, और सब ये कहते हैं राय साहब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, राय साहब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मेरे थे, क्योंकि उन्होंने जब भी कभी किसी से मिले, उन्होंने इस तरीके से मिले कि उन्होंने पहले मुलाकात में बंदे को अपना बना लिया, उनका सादगी का स्टाइल था, बिल्कुल सादगी, प्यार करते थे और साफ सुथरी बात करते थे, बिल्कुल बिल्कुल। और हैदर, मैंने देखा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जितनी रिस्पेक्ट और इज्जत राय साहब को मिली है, शायद इसके बाद किसी को मिले भी ना शायद, बिल्कुल ऐसे, लेकिन जितना लोग प्यार करें जी, किया है लोगों ने, और राय साहब के बाद एक किस्म की इंडस्ट्री बंद हो गई थी, चाहे वो अपनी पाकिस्तान की हीरोइंस की बात कर ले, टेक्नीशियंस की, कैमरामैन, बहुत सारे रोज बेरोजगार हो गए लोग, ऐसे और बड़ी डिस्टर्बेंस हुई थी, जी जी बिल्कुल ऐसे, मैंने लोगों को देखा, लोगों को ख्याल जाने थे, लोग रोते थे जी, मानिए बिल्कुल, अभी भी ऐसे 24 साल से वो सहर अंगेज जो जादू था वो नहीं टूट सका, नहीं टूट सका, और मुझे लगता है कि जब तक की दुनिया है उनका माशाल्लाह ऐसे ही रहेगा, बिकॉज वो एक कहावत बनी हुई ना कि ही वॉज येज एंड ही विल ऑलवेज बी द सुल्तान ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि उन्होंने अगर रूल किया तो ये खाली ये नहीं था कि बस वो काम कर रूल कर रहे थे, अगर उन्होंने रूल किया तो उन्होंने लोगों के दिलों पर रूल किया, राज किया उन्होंने, और वो अपनी इखलाक प्यार से किया, अपनी आजी से किया, अल्लाह ताला की बात जिक्र से किया, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं किया बताने के लिए कि टांग बटांग रखे से मैं सुल्तान ने मेरी कहा सुन नहीं, हमेशा आराम से बैठ के किसी से बात करते थे, और लगे से एक ही मुलाकात में अगले बंदे को अपना बना लेते थे। अच्छा हैदर, मैं पूछना चाह रहा था कि राय साहब ने जितने माशाल्लाह अपने लाइफ में काम किए हैं, अच्छे सोशल काम ज़्यादा, वो फेमस थे लोगों की हेल्प करने के सिलसिले में, जी जी ठीक,
तो आप इस मिशन को थोड़ा सा कोई इस तरह की फाउंडेशन की बुनियाद रखी हो या राइस साहब के इस सफ़र को आगे ले जाने के लिए कुछ काम किया हो इस पर? एक्चुअली मेरा माइंड था कि उनके नाम की ना कोई चैरिटी बनानी चाहिए ताकि लोगों के और लेवल पे हेल्प हो सके, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि मैं पाकिस्तान में खुद होता। अब आगे तो हमेशा तो इस पर कुछ काम करेंगे भी, क्योंकि ये जो आपने बात की, दो तीन और भी फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया है, क्योंकि आई थिंक जो लोग डिजर्व करते हैं उनके लिए कुछ होना भी चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला से कुछ काम शाम करेंगे हम लोग अबू और अबू के नाम से ही इसको स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल कीजिए जी, इसमें हम आपके साथ हैं, हमारा इदारा आपके साथ है प्रमोशन के लिए जो हो सका। हैदर, अब आते हैं आप पर थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि राय साहब का तो इतना लंबा जिक्र है शायद उसे एक प्रोग्राम में कवर नहीं हो सकता, ठीक है, हम जितनी मर्जी बातें करते रहे। हैदर, आप क्या कर रहे हैं आजकल, थोड़ा सा कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना बताइए फिल्म इंडस्ट्री से मतलब। हाँ जी, मैं इस वक्त आई एम डूइंग अबाउट 10 फिल्म्स और ऑल पंजाबी और अभी मेरी जो समझ लें एक बड़ी प्रोडक्शन जो उनसी अभी इसका स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो रहा है, वो इंशाल्लाह पब्लिक के लिए बहुत अच्छा एक सरप्राइज रहेगा। और नाम्स का मैं आपको वैसे बताया, सरप्राइज खत्म कर देते हैं उसका नाम पुत्तर मोले जड्डा जी, क्योंकि बहुत टाइम से जाहिर है नाम ही ऐसे है जी बिल्कुल ऐसी है, ये टाइटल कोई और ले भी सकता ले भी सकता है बिल्कुल ऐसा है। और लोगों का बहुत टाइम से वेट था इस फिल्म के लिए, वो कह रहे थे कि यार आपको ये करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब बिलाल शारी ने जब ये अनाउंस की मोला जट 2, तो उन्होंने कहा कि इसमें आप ले कर रहे हैं, मैंने कहा जी मैं इस वक्त पाकिस्तान में था नहीं, और दूसरी बात ये क्योंकि कास्ट और तरह की उस फिल्म की और उसका टेम्पो भी बहुत तरह का है, तो ये जो हम बना रहे हैं रिमिक्स टाइप थी, थोड़ा सा उन्होंने कुछ इसमें किया है उसको, हल्का चेंज किया उसको, ये जो सी हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला ये एज इट इज़ के साथ कुछ मिलती जुलती होगी और कुछ कोशिश करेंगे उससे एक नॉच ऊपर आए, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी 3 फिल्म जो सी हैं ऑलमोस्ट रेडी पड़ी हुई हैं, वो भी पंजाबी हैं, आने वाली इंशाल्लाह ताला करीब। मेनली माई फोकस इज ऑन फिल्म राइट नाउ, मैंने अपने पूरे करियर में 37 बी ए मिला के ऑलमोस्ट 38 फिल्म मेरी हो जाएंगी मैंने की हैं, और उससे ज़्यादा मैंने टीवी प्लेस किए हैं, मोर देन 40 प्लस सीरियल्स किए हैं। ऑब्वियसली 92 में मैंने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त से लेकर अब तक अगर आप देख लें तो ऑलमोस्ट 37-28 ईयर्स हो गए मुझे ये काम करते हुए। शौक मेरे बचपन से था, अबू को देख कर बहुत ज़्यादा शौक होता था, उनके साथ शूटिंग्स पर जाना, अंजुमान की गोदी में बैठ जाना, उन्हें मुझसे प्यार करना, तो मुझे वो कैमरा लाइट चीज़ें मुझे बड़ी बचपन से अट्रैक्ट करती थी। जब मैं अमेरिका में पढ़ने चले गए, इंस्पायर थे आप? यस, आई रियली लाइक दैट। तो जब हम लोग अमेरिका चले गए तो वहाँ पे मैंने फिर एक्टिंग स्कूल वगैरह में ज्वाइन किया, एक साल वहाँ पे जाता रहा, वहाँ पे सीखा सारा, तो जैसा वो सो कैमरा शाई, जब मैं पाकिस्तान तो उतना कैमरा शाई नहीं था मैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है मेरा पहला शॉट था, तब हल्की सी मेरी हार्ट बीट रेज हुई हुई थी सोच के यार वाह होगी क्या होगा, लेकिन अभी सब लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे होंगे क्योंकि आप भाई साहब के बेटे हैं ना, मैं आपको बताऊं इसके बावजूद भी अपने आप में ये एक सक्सेस स्टोरी भी आप कह सकते हैं, या एक रिकॉर्ड अपने आप में ही कायम हुआ कि मेरे थर्ड डे था शूट का, अभी 3 शूटिंग स्टार्ट हुए थे, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुझे एवेन्यू में सेट लगा हुआ था, तो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे बारी बारी कि जी राय साहब का बेटा कौन है, मिले से उसको, तो बारी बारी आ रहे थे। तो दैट वन डे जब मेरे साथ जो मेरा सेक्रेटरी काम कर रहा था वो मुझे आया बेटा कैसे, अच्छा जी ये हमारी फिल्म का टोकन आपको आ गया, ये हमारी फिल्म का टोकन आपको, वो पैसे दिए जा रहे थे, मैं उसको पकड़ा जा रहा था कि रखी जाओ पास। तो जिस दिन हमारी शूटिंग पैकअप हुई तो उसने कहा कि सर आपको पता ना कितनी फिल्में आज साइन की हैं, मैंने कहा नहीं मुझे पता, कहीं 15 फिल्में साइन की हैं लोगों, तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसे हो गया था, मैंने कहा क्या लाइक 15 फिल्म साइन की, कहते जी वन डे इन वन डे, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था ना, और मैं उसको आई वॉज लाइक हार्डली 15 एट दैट टाइम, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक टाइम था, मैंने कहा माय गॉड। तो मैं लोगों के पास 15 साल में 15 मूवीज नहीं आती, आपने एक ये भी ग्रेट गोस टू अबू सुल्तान भाई साहब, एग्जैक्टली बिल्कुल टोटली टू हिम, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एक के बाद एक तक चला गया। तो मेरी वैसे आपको पहले बता रहा था कि मेरी अबू की इकट्ठी 5 फिल्में हैं लगभग हमारी इकट्ठी हैं, लोगों ने इकट्ठी की, उसके बाद फिर ये बीच में ये अगर हादसा ना होता तो हमारे भी अभी आगे भी काफ़ी सारी मूवीज हम इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन ये है कि उसके बाद बीच में फिर मैंने 2008 तक मैंने काम किया, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया अच्छा वापस चले गए थे जी या जी कुछ ऐसे ही थोड़ा सा मैं एकदम से थोड़ा सा टर्न ऑफ भी हो गया था दिनी तौर पे, एकदम से इतना बड़ा एक पाकिस्तान इंडस्ट्री से तो नहीं फिल्म इंडस्ट्री नहीं वैसे ही मेंटली तौर पे थोड़ा सा हो गया था एकदम से मेरा, तो मैंने सोचा थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए यहाँ से, तो 2-3 साल के लिए मैं अमेरिका वापस चला गया था, फिर वापस आया, फिर पीछे मैंने मूवीज़ वगैरह मैंने की, तो फिर 2008 तक मैंने फिल्म की, फिर मैं चला गया, तब इंडस्ट्री के हालात बहुत चेंज हो चुके हुए थे, फिर उसके बाद वापस आके मैंने अब से तो ऑलमोस्ट समझ लें कि 8-10 साल के बीच में गैप मेरा रहा,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت الحمد للہ میرے پہ ہے کہ میں واپس آیا تو فیس ریکگنیشن اور لوگوں کے بیچ میں میری جو ایک وہیں کی وہیں رہی. اس کے بعد مجھے پھر یہ ہوا کہ اب میں نے جب 2-3 سال سے میں نے ٹریول نہیں کیا پاکستان میں, تو الحمد للہ اس کا میں نے رسپانس بھی لوگوں کا دیکھ لیا. ابھی تک میں نے جب سے میں 3 سال سے پاکستان میں ہوں, میں نے کم از کم اگر کم نہیں تو کم از کم 15-20 فلمیں میں نے چھوڑی ہوں گی یہ سمجھ کے کہ یہ میرے لیے مطابق نہیں ہے روزنگ کے. لیکن جو کر رہا ہوں ہمیشہ پہلے میں رول سنتا ہوں کہ فلم میں رول کیسا ہے, سیکنڈ پھر جو بھی باقی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. لیکن نمبر ون از دا رول میں کیا پلے کر رہا ہوں. حیدر, آپ آج کی انڈسٹری سے اور سینما سے جی یعنی کہ سیٹسفائی ہیں؟ ناٹ ریئلی, لیکن مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وی آر گیٹنگ دیئر, ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں, ان شاء اللہ ہمیں اچھی موویز بننی شروع. جی جی, جیسے میں پہلے کہا کہ ابو کے بعد تو بالکل ہی انڈسٹری کا ایک دم سے کام بیٹھ گیا تھا, اب یہ ہو رہا ہے کہ فلمس بن رہی ہیں اور الحمد للہ بہتر کام ہوتا جا رہا ہے. ایسا ایسا ہوتا کیا کہ ایک آدھی فلم ہٹ ہونے کی دیر ہوتی ہے پھر دوبارہ سے وہ ٹائم واپس آ جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں انڈین فلمز جب یہاں پہ الاؤ ہو گئی تھیں لگنے کے لیے اس نے بڑا ہرٹ کیا ہماری انڈسٹری کو, کیونکہ آبویسلی ان کی پروڈکشنز ہماری پروڈکشن بڑا فرق تھا. تو اب ہمارے پاس یہ ایک اپرچونیٹی یہ بھی ہے کہ اس وقت ان پہ بین ہے, بند ہو چکی ہوئی ہیں, تو میرے حساب سے یہ ایک اچھا ٹائم ہے. بہت سارے نئے انویسٹرز آ رہے ہیں ایز پروڈیوسرز ان سے کرنا کہ, تو میرے حساب سے کہ وہ بھی بڑا ایک اچھا ہمارے پلس پوائنٹ ہو رہا ہے. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے 1-2 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ چینج آ جائے گا, وہ چینج ہوگی, یعنی ہمارے سنیما اچھا سنیما ہو جائے گا ان شاء اللہ, فیملی انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی. میری کوشش یہی ہے جی, میری کوشش تو یہی ہے, کیونکہ عموماً یہ تھا ایک ٹائم آیا تھا جب فیملیز نے سنیما میں جانا جی جی جی, ہم لوگوں نے خود ناراض کیا, میں کہتا ہوں ہم پبلک کو ناراض کیا, سانگز بھی اس طرح کے تھے اور سبجیکٹ بھی اس طرح کے تھے, کیونکہ جو ہمارے میکرز تھے انہوں نے ابو کے ساتھ کام کیا تھا تو ان کو کرنا وہی کچھ آتا تھا, تو انہوں نے پھر جو ہمارے ایکٹرز آئے شان آیا مومی کوئی بھی آئے انہوں نے ان سے بھی وہی کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ کچھ جگہ لے سکتے ہیں, لیکن آبویسلی ابو کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا تھا. تو یہ لوگ لگے رہے ٹریکر اس کو, لیکن ڈیمیج ہوا بہت سارا, امیج انڈسٹری کا ڈیمیج ہوتا چلا گیا, اب اس کو ریپیئر کرنے میں لگے ہوئے ہم لوگ. تو حیدر, آپ جو چھوٹی اسکرین جس کو ہم ڈرامہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ رائٹ ناؤ کمپلیٹلی فوکس فلم پہ ہی ہے میرا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میں اگر کراچی جاتا ہوں کام کرتا ہوں یا ادھر ادھر, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا وہ یہاں سے بریک ہو جائے گا پھر سے, تو ٹی وی فی الحال ابھی اتنا فوکس میں نے نہیں رکھا ہوا, لیکن یہ کہ مینلی آئی ایم ڈوئنگ فلمز رائٹ ناؤ. لیکن مجھے کراچی سے بہت دفعہ لوگ کہ بول رہے ہیں کہ بھائی آپ آؤ کرو, میرے 2 مینیجرز نے بھی مجھے بات بولی ہے, مے بی رائٹ ناؤ آئی ول اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ اگین. حیدر, جتنے ایوارڈز زندگی میں سلطان رائی صاحب کو ملے ہیں, میری وش ہے کہ میں جب نیکسٹ ٹائم آؤں اور اتنے ایوارڈز حیدر کے پاس بھی ہوں انشاءاللہ. اور کوئی اسپیشل میسج جو آپ آج کے دن کے وساطت سے آپ رائی صاحب کے چاہنے والوں کو دینا چاہیے اور پاکستانی عوام کو ہمارے چینل کی وساطت سے؟ جی جی, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ ان سے پیار کرتے آئے ہیں اسی طرح سے ہم سے بھی پیار کیجیے, اور مینلی میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان سینما کو آپ لوگ سپورٹ کریں, بیکاز آپ کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں, اگر آپ لوگ ہیں تو ہم ہیں, اور اس وقت بہت زیادہ اس میں گیپس ہیں جنہوں کو مل کے اس کو فل کریں گے تو کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ جو پیغام ابو دیتے تھے میں وہ بھی آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ نمایاں قائم کریں, اپنے بڑے چھوٹوں کا احترام کریں, اور عاجزی میں رہیں, تکبر میں کچھ نہیں رکھا ہوا, وہ آپ کو ہمیشہ بریک کر دے گا, اتنا عاجزی میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کریں گے. جی ناظرین, سنا آپ نے, بالکل یہ حقیقت بھی ہے, بینگ اے مسلم ہمارا یقین بھی ہے, عاجزی جو ہے نا وہ بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور اس کی زندہ مثال حیدر میں بھی پائی جاتی ہے اور اس پوری فیملی میں بھی. میری آج ایک خواہش میں سے ایک خواہش اور پوری ہوئی ہے کہ میں رائی صاحب کے گھر پہ رائی صاحب کی فیملی کے ساتھ ہوں اور ان کو کور کرنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. شاہد میاں کو پروگرام خوابوں سے تعبیر تک کے اس سفر میں اگلے سفر تک کے لیے اجازت دیجیے, بیسٹ آف لک, السلام علیکم. تھینک یو حیدر, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا, تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے. یار ایک مشورہ تو دو. ہاں, کنسٹرکشن کے لیے سریا کون سا خریدوں؟ ماڈل سٹیل کا سریا ہی خریدو. اس میں کیا خاص بات ہے؟ ماڈل سٹیل کا سریا جدید ترین کوالٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے, جہاں پر اس کی مضبوطی اور معیار کو پرکھا جاتا ہے, اور یوں ہمیں بہترین کوالٹی دی جاتی ہے, صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا. ارے یار, میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف شطرنج میں ہی چلتا ہے. ماڈل سٹیل, ماڈل آف اسٹرینتھ.